नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। उपेंद्र कुशवाहा बीते 5 दिनों से आमरण अनशन पर है, फिलहाल पीएमसीएच में है और पीएमसीएच में उनका जो अनशन है वो लगातार जारी है और पीएमसीएच में अनशन के दौरान उनसे मिलने के लिए लगातार कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन एक ताजा तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा ने खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है, ट्विटर आईडी से शेयर की है, जिस तस्वीर के बाद सियासी जो घमासान है बढ़ना तय है। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के इस पेज को देखिए, ट्विटर पेज पे उन्होंने लिखा है, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, हर चौक चौराहा गूंज उठा अब शिक्षा सुधार के नारों से। मंत्री रहते स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय खुलवाने के लिए जारी आमरण अनशन का आज 5वां दिन। इसके साथ उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की है, हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसमें देखिए कई बड़े नेता हैं मुकेश सहनी के साथ और अब यह तस्वीर जो है वो बेहद खास है क्योंकि आपको उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो दिख रहे हैं वह है बीजेपी के एमएलसी हैं और संजय पासवान इनका नाम है और ये आज उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने पीएमसीएच में मुलाकात की है तो कहीं ना कहीं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब बीजेपी के नेता भी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में आ गए हैं। तो क्या बीजेपी अब उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में आ गई है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन फिलहाल इस तस्वीर को लेकर सियासत तेज होने के पूरे आसार दिख रहे हैं क्योंकि संजय पासवान जो कि बीजेपी से एमएलसी हैं वो उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आपको बता दें संजय पासवान इससे पहले भी कई तरह के अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं जो कि सरकार के विरोध में उन्होंने बयान दिया था। हाल ही में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने सुशील कुमार मोदी को सीएम बनाने की पेशकश भी की थी। तो लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले संजय पासवान एक बार फिर से चर्चा में हैं और चर्चा का कारण है उपेंद्र कुशवाहा के साथ खिंचाई गई ये तस्वीर जिसे उपेंद्र कुशवाहा ने खुद अपने ट्विटर आईडी से शेयर किया है। आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा बीते 5 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर वो सरकार के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे हैं। 4थे दिन उनकी तबीयत खराब हुई जिसके बाद पीएमसीएच में उन्हें भर्ती कराया गया और पीएमसीएच में भी उनका अनशन जारी है। तमाम बड़े नेताओं से मिलने पहुंच रहे हैं। 4थे दिन देर शाम तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह भी वहां पर पहुंचे थे और अब जो तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा रहे हैं आप टीवी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, संजय पासवान बीजेपी एमएलसी रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को लेकर सियासी रंग किस तरह से बदलते हैं, क्या कुछ नई बातें सामने आती है, इससे भी हम आपको अपडेट कराएंगे। इसके लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।